तो कैसे हैं आप लोग? हाय गाइस, तो फाइनली गेम में न्यू अपडेट आ चुका है। हाँ, मैं थोड़ा लेट हूँ अपडेट पे वीडियो बनाने पर, लेकिन मेरे को इसको थोड़ा समझने में भी टाइम लग गया गाइस, क्या क्या इन्होंने अपडेट डाला है गेम में। तो आप जब इस न्यूज को पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या क्या अपडेट आया है। ठीक है, ये 24 सितंबर को फिर से इस बार इसको फिक्स किया गया है कुछ मतलब अपडेट देके। आप अगर इसके नीचे जाओगे गाइस तो दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे जो होते हैं मॉल में कुछ 20% के डिस्काउंट पे कुछ चीज डाले गए, आपको यहाँ मतलब न्यूज में सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करता हूँ स्टार्ट। मैं आपको बता दूंगा ये अपडेट था गाइस 2 GB का, ठीक है, 1.8 GB का। तो मैं यही कहूंगा इस गेम को आप डिलीट कर दो और फिर से मतलब गेम को रीइंस्टॉल कर लो। ठीक है, मतलब अपडेट मत करो गेम को, इससे क्या फायदा होगा। जैसे कि आप लोगों ने जब पबजी खेला होगा तो आपको पता होगा कि जब हम लोग अपडेट करते थे तो वो लैग थोड़ा ज्यादा होता था। ठीक है, जब हम उसको रीइंस्टॉल करते थे तो लैग उतना देखने को हमें नहीं मिलता था। तो मैं यही बात कहूंगा कि आप इस गेम को रीइंस्टॉल करो, क्योंकि इसमें लैग तो था ही गाइज, आप लोग पहले भी जानते हो, अभी भी है लैग, ऐसा बात नहीं कि खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप रीइंस्टॉल करोगे तो उससे आपको लैग की प्रॉब्लम थोड़ी कम आएगी। ठीक है, तो ये सारा तो हो गया खत्म। ये जिस तरह का हम लोगों का ऑफिशियल सर्वर चल रहा था गाइज उसी तरह चलेगा। ठीक है, इसमें नया क्या है तो ये ऑपरेशन बेस है। इसमें क्या है भाई, इसमें तो अच्छा कर दिया, सर्वर खत्म हुआ था। तो ये देख लो ऑपरेशन बेस में जाना किस तरह है गाइस। अगर जब आप थ्रू बार में जाओगे तो हो सकता है थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम करे, 2-3 बार आपको टैप करना पड़े। लेकिन अब यहाँ करना क्या है, बस सिर्फ एक बार यहाँ तीर के निशान पे टच करना है। ठीक है, ऑपरेशन बेस जहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ दिख रहा है गैदरिंग बेस, एडिंग जॉम्बी मैकेनिज्म, मतलब कुछ कुछ चीजें आएगी यहाँ पे। अब फाइनली ये इस तरह का नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो समझ लेना कि अब आप इंटर होने वाले हो। ठीक है, थोड़ा साउंड बढ़ा लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब ये तो मोबाइल के प्रोसेसर पे भी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे गेम में थोड़ा सा मतलब इंटर होने में टाइम ये लेता है। ये जो घर का ये जो सीन दिया गया है, ये लगता पक्का मतलब चाइना को कोई घर होगा उसी का सीन दिया है। मैं कभी ट्राई करूंगा ऐसा मतलब बेस बनाने का। ठीक है, देखता हूँ ऐसा बेस मतलब बन पाता है कि नहीं हमसे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने ऑपरेशन बेस में। हाँ, मैं जो आप लोग जब पहली बार ऑपरेशन बेस में आओगे तो आपको एक घर दिया जाता है। ठीक है, तो मैं क्या क्या जिस दिन आया था शुरू दिन, तो मेरे को तोड़ने का थोड़ा ज्यादा चुल मची थी, तो मैंने पहले ही दिन आकर उसको तोड़ दिया मतलब बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसको तोड़ दिया। ठीक है, सबसे पहले आप स्पॉन होंगे, देख लो यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त लोग है आए थे, फिर वो लोग अपने सर्वर में चले गए। तो यहाँ पे मेरा एक पहले बेस था, रंग बिरंगा अच्छा मतलब बेस था स्किन वाला, तो मैंने उसको पहले दिन ही आके तोड़ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मैंने फिर अपना एक अलग बेस बनाया। ये देखो भाई, ये मैंने शॉटगन ट्रैप वगैरह लगाया। तो सबसे पहले इसमें गाइस जब भी आप आओगे तो आपको जितना मैंने इसमें डेवलप कर लिया है इतना आपको नहीं मिलेगा करने को, मतलब कि बेजल वगैरह 16 मतलब 16 बेजल लगा सकते हैं 4x4। ठीक है, और उसके बाद देख लो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आपको ये सारे चीज जानकारी मिलेगा। ये जो बेस बिल्डिंग है, ठीक है, बेस बिल्डिंग है, यहाँ देख लो गाइस, बेस बिल्डिंग में कैबिनेट जब आपका कोई भी लेवल नहीं रहेगा, ना ही 1 रहेगा ना ही 2 रहेगा, तो यहाँ देख लो यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इंक्रीज मैक्सिमम बेस टाइप कंस्ट्रक्टर लिमिट टू, यहाँ 16 था पहले, तो मैंने इसको 2 लेवल इंक्रीज किया गाइस, 16 से 24 हुआ, फिर अभी 48 हो गया। ठीक है, अब गैरेज, गैरेज से क्या है गाइस मैं दिखाता हूँ। यहाँ से जो वुड स्टोरेज चेस्ट है, लार्जेस्ट स्टोरेज चेस्ट,
इसकी आप मतलब कैपेसिटी बढ़ा सकते हो कि मतलब आप कितने रख सकते हो। अगर मान के चलो मैं कहूंगा गाइस गुड स्टोरेज चेस्ट मत रखना, उसकी जगह आप लार्ज स्टोरेज चेस्ट ही रख लेना। वेपन स्टोरेज चेस्ट से भी अच्छा आपका लार्ज स्टोरेज चेस्ट है। अभी मतलब क्लोज सेट ऑफ फ्रिज आप लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सब अपने काम आ जाएंगे, इसमें जगह अच्छी खासी होती है। लेकिन बूट स्टोरेज चेस्ट में 12 जगह 12 ही मतलब होते हैं ना, तो उसके अच्छा उससे अच्छा हुआ कि आप लार्ज स्टोरेज से लगा लेना, ठीक है। वर्कशॉप से क्या मतलब फायदा है गाइस, तो यहाँ से आप फर्नेस लार्ज फर्नेस ऑयल रिफायर मतलब ये मैं 5 लगा सकता हूँ, लेवल 1 मैंने कर रखा है इसीलिए। कैंप फायर मैंने अभी इसे किया नहीं हूँ, शायद इससे कुछ मतलब अलग से जूस वगैरह बना सकूँ। वर्क बेंच अगर कर लेता हूँ मैं तो इसमें मेरा जो रिड्यूस होगा जो कॉस्ट, मतलब जब मैं इसे रिसर्च करके जो भी निकालूंगा रेसिपी तो उसमें कुछ कॉस्ट कटिंग होंगे, ठीक है। सिंगल सेंटर यहाँ से मतलब टूरेंट मतलब जो भी मैंने क्या बोलता है उसका यार शॉटगन, जैसे कि जो मैंने ये लगा रखा है ये मैं ज्यादा से ज्यादा लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बार बार क्यों लगाया, मेरा बेस का डिजाइन भी देख लो गाइस, थोड़ा सा भी मतलब आपको अजीब लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, बाद में दिख जाएगा अच्छे से, मतलब क्योंकि मैंने अभी इसे केवल स्टोन में अपग्रेड करके छोड़ रखा है, इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में। ये सब जगह मैं अभी शॉटगन लगा दूंगा, ये सब जगह भी, ताकि मतलब जब ज़ॉम्बी को बुलाऊं तो मतलब बहुत इजीली इसमें मार सकूं। शुरू में जब अपडेट आया था गाइस तो आपको पता होगा कि मतलब ड्रम कट कर रहे थे तो उससे एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं बढ़ रहे थे, तो अब बहुत सारी फिक्स कर दी गई, अब उससे भी आपको बढ़ रही है एक्सपीरियंस पॉइंट। मैंने तो मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे काट के मतलब एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ाया किसी तरह 15 लेवल किया, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि भाई मतलब लाउड स्पीकर जो है वो लेवल 15 पे नहीं मिलेगा बल्कि उसे वाई करना होगा, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बढ़ाया था किसी तरह। तो जब आप बैकपैक में मतलब जाओगे, आप जब यहाँ से क्राफ्ट में जाओ तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरा स्पीकर का ऑन हो चुका है, मेरी सारी रेसिपी ऑन हो चुकी है। हाँ, इसमें एक चीज और है गाइस कि इसमें आपको ड्राफ्ट टेबल नहीं दिया गया, तो इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले वर्क बेंच को एडवांस करना है, ठीक है। और उसके जो भी आपको मतलब रेसिपी चाहिए, मान के चलो कि मुझे इसकी रेसिपी चाहिए, तो ये बनेगी कहाँ, क्राफ्ट रिक्वायरमेंट क्या है, क्राफ्ट का रिक्वायरमेंट है मस्ट क्राफ्ट नेक्स्ट टू मिड वर्क बेंच, तो मीट मर बेंच पे जाके आपको 500 शेयर देके इसकी रेसिपी निकालनी होगी, ठीक है। जो आपको मीट वर्क बेंच में बोल रहा है तो वो मीट वर्क बेंच से रेसिपी मिलेगी, और जो आपको एडवांस वर्क बेंच पे बोलेगा तो उसकी रेसिपी आपको एडवांस वर्क बेंच पे मिलेगी। तो इसमें से ये कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये व्हाइट पाउडर है तो ये सब एडवांस वर्क बेंच में आपको रेसिपी मिलेगी, और बाकी आपको जो भी मिलता है गाइस ये सारी रेसिपी आपको खुली मिलेगी। तो मैं एक ही बात कहूंगा गाइस, जो भी मिलता है इसमें सारे अपने मतलब लगा लो, सारे यूज कर लो बना बना के, ठीक है। जो भी मिलता है सारे लगा लो, मतलब सब का कुछ ना कुछ काम है यार, बिना काम का नहीं दिया हुआ। ये सारा रेसिपी देख लो, ये भी जो मिड वर्क बेंच में बनेगा वो उसे मिड वर्क बेंच में मिलेगा रेसिपी। मतलब मैंने जो रेसिपी का बताया गाइस ये एकदम सही तरीका है रेसिपी निकालने का। अगर आपको रेसिपी निकालना है तो आपको चाहिए जो भी सामान, तो आप पहले उसको देख लो कि वो कहाँ पे क्राफ्ट होगा। अगर वो मिड वर्क बेंच में क्राफ्ट होगा तो बस यहाँ से आपको एडवांस वर्क बेंच के पास जाना है, इस तरह यूज पे जाओ, मिड वर्क बेंच पे जाओ, यहाँ से जो भी स्पेयर मांग रहे 495 स्पेयर, मतलब मेरे 5 स्पेयर अभी कॉस्ट कटिंग में गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से बस आपको निकाल लेना है। हाँ, एक चीज मैं अभी तक देख चुका हूँ भाई, जो आपने पहले रेसिपी निकाल चुका है उसकी रेसिपी आपको दोबारा नहीं दी जाएगी, ठीक है। मतलब वो रेसिपी आपको एक ही बार मिलती है, मतलब बार बार आपको नहीं मिलेगी, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि आपके स्पेयर वेस्ट हो जाएंगे, आपको मतलब कोई न्यू रेसिपी मिलेगी, ओके। तो और इसमें क्या है न्यू गाइस, तो चलो मैं दिखाता हूँ। हाँ, एक चीज और गाइस कि अगर आप इसमें चाहो तो मतलब ग्लाइडर ले सकते हो बहुत ही मतलब कम रेंज में, मतलब कि अंडर 100 1K, मतलब अंडर 1K के अंदर ले सकते हो इसमें ग्लाइडर। मैं थोड़ा सा बूट ले आऊँ, रुको, इतना बूट है, बहुत सारे बूट है, दिखाता हूँ गाइस। हाँ, ये देख लो भाई मेरा घर बना हुआ है, ठीक है। मैंने इसके चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया हुआ हूँ, मतलब कि बाहर से मैंने रूफ लगा के प्रोटेक्ट कर रखा है। ये देखो अभी तक ये फर्निस जल रहे हैं, जबकि मैंने कल रात में ही जलाया था, तो अच्छा खासा मतलब तैयारी हो चुका है गाइस। तो मैं इन सबको मैं क्या करने वाला हूँ देख लेता हूँ, इन सब में कुछ है ना नहीं, ओके। तो अच्छा खासा सामान मेरा बना हुआ है, किसी में वुड नहीं है क्या, ओके गाइस इन सब में वुड है, तो मेरे पास कुछ स्टील बचे हुए तो मैं इनको डाल दूंगा इसी में, ओके। ये सब तो अभी तक जल रहा है, इसमें है वुड ना थोड़ा कम है, तो इसमें मैं इसको डाल देता हूँ स्टील को, ओके।
ये देख लो भाई, सीढ़ी है अपनी, चलते हैं। यहाँ पे मैं अपना एक बनाने वाला हूँ, मेरे को अभी विंडो की रेसिपी चाहिए गाइस, विंडो की, और क्योंकि अब अंधेरा थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा अच्छा डिजाइन बनाने की कोशिश किया है। मैं इसके ऊपर ज्यादा ज्यादा एक और अथी बनाऊंगा, ठीक है, तो वो थोड़ा न्यू डिजाइन का होगा। तो मेरे को हाँ एक विंडो मस्ट चाहिए, एक आयरन लैडर या स्टील लैडर, जो भी रेसिपी मिले मेरे को वो चाहिए, क्योंकि ये दो मिल जाएगा इस तो मतलब मेरा काम बन जाएगा अभी फिलहाल के लिए। तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ अपने ग्लाइडर का थोड़ा, चलो छोड़ो मैं यहाँ मैप से बताता हूँ गाइस। इसमें एक चीज बहुत अच्छा किया गया गाइस कि मतलब आपको सल्फर ठीक करना है माइनिंग, तो यहाँ से कर लो, आयरन माइनिंग करना है तो यहाँ से कर लो। अगर मैं यहाँ से ग्लाइडर से ठीक करता हूँ गाइस, तो कम से कम यहाँ तक तो इजिली पहुंच जाता हूँ, ठीक है। इसमें भी मैं क्या करता हूँ, कम से कम यहाँ यहाँ तक पहुंच जाता हूँ ग्लाइडर से अपने, ठीक है। तो अगर आपके पास ग्लाइडर नहीं है गाइस, तो मैं एक वीडियो डालूंगा कि मतलब उसमें आप कैसे मतलब 50% लेस में ग्लाइडर ले सकते हो, प्लस की मतलब आपको 50% ज्यादा स्टेयर ये टिकट मिल जाते हैं, मतलब कि आपको वो 1K के अंदर आपको ग्लाइडर मिल जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी कार्ड नहीं मिलता गाइस, केवल ग्रीन कार्ड मिलता है, वो एक शिप पे मिलेगा और दूसरा आपको यहाँ मिलता है गाइस डॉक पे, जो कि आपको पता होगा, ठीक है। अगर पता नहीं होगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब आगे अगर आपको ब्लू कार्ड चाहिए और पर्पल कार्ड चाहिए गाइस, तो मैं दिखाता हूँ। ब्लू और पर्पल कार्ड आपको दो जगह से मिलेगा, या तो एक आप अपना खुद का स्टोर बना के लगा लो गाइस, देख लो यहाँ पे जब आप क्राफ्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक स्टोर का मतलब वेंडिंग मशीन का अधिक खुला हुआ मिलेगा, यहाँ से आप बना के लगा लो। मैंने अभी तक नहीं बनाया है, यानी तो फिर इस बाउंड्री वार्ड से मिलेगा। मेरा बाउंड्री वार्ड का ऑप्शन ओके आ गया, यूज में जाओ सीधा, ठीक है। यहाँ से आपको रिफ्रेश करना होगा, ठीक है, ये जो भी आप रिफ्रेश करो अपना। यहाँ से कुछ गाइड है, गाइड में क्या करना है गाइस की गाइड में आप देखोगे तो यहाँ से आपको इन सब का मतलब मिलेगा। जब आप ये सारे मिशन पूरा करते हो तो ये आपको देगा, ठीक है। सेकेंड नंबर में जाओ, देख रहे हो कैनन वगैरह मिल रहा है, तो ये सारा आपको मिशन पूरा करने होंगे। मिशन कोई खास नहीं है, मतलब इजी मिशन है, आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, मिशन को पूरा कर लोगे इजीली। आइए देखो अपग्रेड सिटी, 1 मिनट, मिशन अपग्रेड, हाँ। तो ये देख लो भाई, इन सबको मतलब मारना होगा, या जो है हेली तो मैं अभी तक नहीं देखा गया जिस गेम में, पता नहीं हेली कब आता है, मेरे को नहीं पता, ठीक है। बाकी टैंक और मॉन्स्टर वगैरह को मैं मार के मतलब कैसे आप सोलो में मार सकते हो, तो ये मेरा पूरा सोलो होने वाला है, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन करके सारा आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम लोग मतलब भोपू बजा के बुलाएंगे मॉन्स्टर को, तो इसे उस हिसाब से मैंने अपना बेस डिजाइन कर लिया है, ठीक है। तो आज मैं मतलब यहीं तक वीडियो को रखता हूँ, और बाकी जो भी न्यू मतलब जिस तरह मैं सोलो में मतलब समझ लो कि सोलो के लिए मैंने ये पूरा डिजाइन किया है अपना बेस को, ठीक है। तो आज बस इतना ही, और फिर मिलते हैं। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।